हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक कच्चे आलू से सूजी का वड़ा, जिसके लिए हमें इन सब सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने 2 कटोरी सूजी ले ली है और सूखा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, जीरा, प्याज, कद्दूकस किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया और शिमला मिर्च और कद्दूकस किया हुआ ये आलू, जिसे मैं पानी में डुबो के रखी हूँ जिससे ये काले ना पड़े। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी में हम कसी हुई आलू को मिला देंगे, सारे आलू को मिला देंगे अच्छे से और इसे मिक्स कर देंगे, क्योंकि आलू में भी बहुत पानी होती है। तो हम पहले सूजी को अच्छे से आलू में मिक्स कर देंगे, फिर पानी मिलाएंगे। तो हमारी आलू अच्छे से सूजी में मिक्स हो गई है। तो हम इन सब चीज़ों को भी सबसे पहले जीरा मिलाएंगे, सूखी हुई धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, प्याज को बारीक ही काटिएगा, शिमला मिर्च और धनिया। आप चाहे तो तीखी मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैंने शिमला मिर्च यूज़ किया है। और स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सबको अच्छी से मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो पाउडर वाली मिर्ची भी डाल सकते हैं ऊपर से, या क्रश करके लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। अब इसको सेट होने के लिए 10 मिनट या 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं तो इसे मैं हटा देती हूँ। अभी जो हमारा गुंदा हुआ है सूजी का आटा, वो अच्छे से गुंदी हुई आलू के साथ मिक्स हो चुकी है, तो और पानी इसमें मिलाने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा करके आँच तेज कर देती हूँ। अब इसे छोटी छोटी लोई लेंगे हाथ में, और जो शेप भी आपको चाहिए बना करके आप डाल सकते हैं। मैं बड़े के शेप में ही डालूंगी। इसे तेज आंच में ही सेकिए, पहले एक तरफ से सेक के फिर दूसरी तरफ पलटाइए, ना तो ये टूट भी सकते हैं क्योंकि आलू मिक्स है इसमें। अब सब बड़ों को मैं दूसरी तरफ से भी पलटा लूंगी, क्योंकि इसमें आलू डली हुई है तो थोड़ी सी टाइम लेगी ये बड़े। सभी को मैं दूसरी तरफ से पलटा लूंगी और हमारे बड़े हैं सीख चुके हैं, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे बने हैं, एकदम करारे करारे। बाकियों को भी मैं बना लेती हूँ।
यदि आपको ये ज़्यादा करारे नहीं चाहिए तो आप इसमें सोडा भी मिला सकते हैं या थोड़ी सी दही भी मिला सकते हैं, इससे थोड़े नरम बनेंगे। यदि आपको ये ज़्यादा करारे नहीं चाहिए तो आप इसमें सोडा भी मिला सकते हैं या थोड़ी सी दही भी मिला सकते हैं, इससे थोड़े नरम बनेंगे। ये सूजी की जो बड़े हैं बन के रेडी है, सिर्फ दो ही चीज़ ही लगी है दोस्तों, तो आप भी ज़रूर इसे बना के खाइए, सूजी और कच्चे आलू, सिर्फ यही दो चीज़ यूज़ की हूँ और सब बाकी चीज़ें तो हम नॉर्मली डालते ही हैं, तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, कितने अच्छे से अंदर तक पकी है ये, देखिए करारे करारे।